over cost. नमस्कार, मैं अंबिका हाइड्रोलिक्स प्राइवेट लिमिटेड के इस कार्यक्रम में सबका स्वागत करती हूं और इस प्रोग्राम में जुड़े सभी गेस्ट का अभिवादन करती हूं। इस प्रोग्राम का संचालन प्लाय रिपोर्टर की ओर से किया जा रहा है, जिसका लाइव प्रसारण प्लाय रिपोर्टर के फेसबुक पेज पर भी किया जा रहा है। इसी के साथ मैं प्लाय रिपोर्टर के सभी दर्शकों का भी स्वागत करती हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आज के प्रोग्राम के बारे में आपको थोड़ा संक्षेप में प्रकाश डालूंगी और बताना चाहूंगी कि ये प्रोग्राम अंबिका हाइड्रोलिक्स ने आयोजित किया है। आप सभी जानते हैं कि अंबिका हाइड्रोलिक्स प्लाईवुड या लैमिनेट में प्रेस सिस्टम बनाने वाली भारत की अग्रणीय कंपनियों में से एक है। प्रोग्राम के आयोजन के दो मकसद है। पहला, अंबिका हाइड्रोलिक्स के संस्थापक स्वर्गीय श्री अभय राज छाजर जी की 73वीं जयंती, उसके मौके पर उनको याद करना। उन्होंने इस सेक्टर में जो योगदान दिया है उसके लिए उन्हें श्रद्धांजलि देना। उनकी बहुत लोगों के साथ बेहतरीन यादें हैं, उनमें से कुछ लोग आज यहाँ मौजूद हैं और उनके बारे में अपनी राय भी रखेंगे। और दूसरा, अंबिका हाइड्रोलिक्स ने प्लाईवुड या लैमिनेट सेक्टर के लिए एक शानदार डिजिटल ऐप बनाया है, उसके बारे में पूरी इंडस्ट्री को आग्रह करना। अब मैं श्री अजय छाजर, MD अंबिका हाइड्रोलिक्स, जो कंपनी के एक संस्थापक भी है, उनको आमंत्रित करना चाहूंगी। अजय जी, अनम्यूट, आपका माइक म्यूट है सर। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, अब आवाज आ रही है ना मेरी? जी जी, धन्यवाद। प्रिय स्नेहजनों, मित्रों, सादर नमस्कार। जितने भी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आप सब लोगों ने अपना अमूल्य समय निकाल करके इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे सब अपने ही हैं, इसलिए धन्यवाद की ये खाली एक औपचारिकता है। आज अभय भाई साहब का 73वां जन्मदिन, आज 73 साल पूरे होते और 74वां लगता। इस जन्मदिन पर मैं उन्हें श्रद्धावश प्रणाम करता हूं और स्मरण करता हूं। मेरे से तो बड़े थे, किंतु चूंकि हम लोग साथ में बहुत रहे, हॉस्टल साथ में किया, इसलिए मेरे ऊपर जरा कुछ ज्यादा ही उनका वात्सल्य था। आज ये जो अंबिका वटवृक्ष, जिसको बोल सकते हैं, इसका बीजारोपण 1982 में अभय भाई साहब ने किया और उस बीजारोपण के मुख्य प्रेरणा स्रोत थे भाईजी श्री मुरारीलाल जी रसिवासिया। उन्होंने बीज दिया, अभय भाई साहब ने उसका बीजारोपण किया, किंतु उसमें खाद, पानी, हवा, ये सारे के सारे आप लोगों ने और सिर्फ आप लोगों ने किया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसे बोलते हैं तिनसुकिया में तीन सुख है शायद, किंतु तिनसुकिया में हमने सातों सुख भोगे हैं। और उस समय जो भी सहयोग मिला, सहयोग का एक हमारा परिवार था, व्यापार बढ़ता गया, आगे बढ़ते गए, उसमें कुछ लोगों के नाम मैं उसे लेना चाहूंगा। उसमें श्री सज्जन भाई जी भजन का, चाचा जी थे एक बनवारी लाल जी, मधुकर जी अग्रवाल, हमारे बड़े भ्राता किटपलाई के श्री शांति प्रसाद जी गोयनका, बड़े भाई
श्री सुदर्शन प्रसाद जी गोइन का और ग्रीन प्लाई के श्री शिव भाई जी मित्तल, भाई राजेश मित्तल, और हमारी पितृ पुरुष कह सकते हैं जिनका असीम प्यार मिला, बड़े भाई समान थे उनको, गोपी बाबू बाबू के बन बोलते थे, श्रीमान गोपीराम जी रसिवासिया, कामाख्या बाबू अग्रवाल, जोराट के श्री माखनलाल जी गट्टाणी, ये सब शुरुआत के दिनों में भाई बिमल चोपड़ा। और आसाम के बाहर जाओ श्री अशोक जी, अनिल जी हो गए जनार्दन प्लाईवुड वाले, श्री अशोक जी अग्रवाल विद्या प्लाईवुड वाले, और हमारे एमबी प्लाईवुड के बालकिशन जी मेड्डा परिवार, और ऐसे प्लाईवुड के श्री अरुण भाई साहा और सलीलदा चौधरी। ये मैं नाम कुछ उस समय के ले रहा हूं जिनसे जो शुरुआत के दिनों में थे, बाद में तो परिवार बढ़ता गया इसलिए मैं बाकी का नाम नहीं ले रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं उनका योगदान नहीं था, मैं क्षमा चाहता हूं। जहां तक अभय भाई साहब का सवाल है, वो खुद के लिए कभी नहीं जिए, उन्होंने सारा जीवन परिवार, समाज और अपने मित्रगण उनके लिए जिया। और ये बात, इस बात का मुझे कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, जितने उनसे परिचित थे तिनसुकिया वाले या बाहर के, वो इस बात से भली भाली परिचित हैं कि उनका क्या योगदान था। और उसका बदला भी आप लोगों ने, अंबिका का जो वट वृक्ष है उसमें खाद पानी आप लोगों ने दिया, खाली खाद पानी नहीं, आंधी तूफान जब भी तकलीफें आई आप लोगों ने ही हमें उसको उससे बचा के रखा, ये बात कोई भी भूल नहीं सकता और सबको मालूम है, और कम से कम मैं तो नहीं भूल सकता। अब मैंने नाम कुछ लिए हैं, बाद के लोगों को मैं, मेरा संपर्क भी नहीं है, उनके नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, किंतु नाम मैं जानता हूं, रविंदर से बराबर नाम सुनते रहता हूं, और जब भी जाता है चाचा जी यहाँ गया था वहां गया था, इसका ये ऑर्डर है, जैसे वर्गो वाले हैं, जैसे वो अपने अमिया ग्रुप है, नाम मुझे बोलता रहता है, हमारे गुजरात में पटेल ग्रुप है, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं उनके नाम नहीं ले रहा हूँ, तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि उनका मतलब ये नहीं है कि उनका योगदान नहीं है, उनका योगदान आज भी है। जो जो वृक्ष बड़ा होता है उसको ज्यादा खाद पानी की आवश्यकता पड़ती है, ये बात आप मान के चलिए। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप लोगों को भी सुनना है, मेरे से कोई त्रुटि हो गई तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, किसी का नाम रह गया हो तो उसे मैं क्षमा चाहता हूँ। और जिस प्रकार से आपने आज तक अंबिका रूपी, अंबिका के वट वृक्ष को आपने सार संभाल करके रखा है, भविष्य में भी ऐसे ही उसके खाद पानी हवा ऐसे ही संरक्षण देते रहेंगे, इसी भावना के साथ नमस्कार, जय जिनेंद्र। धन्यवाद अजय जी। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं अंबिका प्लाईवुड और हाइड्रोलिक के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। अंबिका हाइड्रोलिक भारतीय प्रेस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्वालिटी, इनोवेशन और विश्वसनीयता के लिए जाना जाता है, जिसकी नींव 1982 में स्वर्गीय श्री अभय राज छाजड़ जी के नेतृत्व में रखी गई थी। इस मिशन में श्री अजय छाजड़ और श्री रविंद्र छाजड़ जी भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े। श्री रविंद्र छाजड़ जी की कठिन मेहनत से कंपनी ने हर दिन नया मुकाम हासिल किया। अब अंबिका हाइड्रोलिक प्लाईवुड लैमिनेट, स्पेशलाइज लैमिनेट, पार्टिकल बोर्ड के साथ अन्य सेक्टर के लिए भी प्रेस मुहैया करवा रहा है। कंपनी की उत्पादन यूनिट गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है, जिसमें सभी आधुनिक सुविधाओं से लेकर तकनीकी मशीनें लगी हैं और जिसमें भारी संख्या में उत्पादन करने की भी क्षमता है। अंबिका हाइड्रोलिक भारत की अग्रणीय प्रेस बनाने वाली कंपनी के साथ ही साथ अन्य देशों में भी कंपनियों को मशीन निर्यात करवाती है, जिसमें नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, वियतनाम, इंडोनेशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी शामिल हैं। कंपनी की टेक्निकल एक्सपर्ट टीम की ग्राहकों की जो कंपनी की टेक्निकल एक्सपर्ट टीम है वो ग्राहकों की जरूरतों के हिसाब से भी प्रेस को डिजाइन करती है। इस प्रक्रिया में कंपनी के इंजीनियर इनोवेशन क्वालिटी
उसकी उपयोगिता, सेफ्टी और परफॉर्मेंस का खास ख्याल रखते हैं। कंपनी की मशीन भारत के अग्रणी प्लाईवुड या लैमिनेट कंपनियों में लगती है, जिसमें कुछ कंपनियों के मालिक आज इस कार्यक्रम में सीधे जुड़े हैं और कुछ फेसबुक के जरिए भी जुड़े हैं। ग्राहक को अच्छी सर्विस देना और क्वालिटी को लेकर उन्हें संतुष्टि कराना अंबिका हाइड्रोलिक का मुख्य उद्देश्य रहता है। कंपनी अपनी सर्विस और इंस्टॉलेशन को तेज करने की दिशा में भी काफी तात्पर रहती है और हमेशा अपनी डेडलाइन को पूरा करने में भी प्रयास करती है। अंबिका हाइड्रोलिक्स ग्रीन, क्लीन और हेल्थ एनवायरनमेंट में भी अपना योगदान देती है, जिसके तहत वे वेस्ट प्लास्टिक साइकिल प्लांट भी बनाते हैं, जिससे फ्लैट और कॉरुगेटेड शीट बनता है। तो यह है अंबिका हाइड्रोलिक्स के बारे में एक संक्षिप्त परिचय। अब मैं आज के कार्यक्रम में जो ऑनर्ड गेस्ट जुड़े हैं उन सभी का स्वागत करना चाहूंगी। मे आई वेलकम ऑन स्क्रीन मिस्टर सज्जन भजंका, चेयरमैन सेंचुरी प्लाईबोर्ड इंडिया लिमिटेड, मिस्टर राजेश मित्तल, चेयरमैन ग्रीन प्लाई इंडस्ट्री लिमिटेड, मिस्टर माखन गटानी, एमडी गटानी इंडस्ट्रीज, मिस्टर मधुकर अग्रवाल, चेयरमैन मैपल पैनल्स प्राइवेट लिमिटेड, मिस्टर राकेश अग्रवाल, एमडी अमूल्य माइका ग्रुप, मिस्टर जगदीश गुप्ता, चेयरमैन स्टाइलम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मिस्टर अमृत पटेल, एमडी सिग्नेचर लैमिनेट, मिस्टर बिमल चोपड़ा, एमडी मेट्रो प्लाईवुड ग्रुप, मिस्टर पदम जैन, न्यू प्रगति प्लाईवुड एंड डेकोप्लाय, मिस्टर अशोक अग्रवाल, एमडी विद्या प्लाय एंड बोर्ड प्राइवेट लिमिटेड, मिस्टर वीके पटेल, एमडी कल्पतारू डेकोर्स, मिस्टर सज्जन डोकानिया, एमडी दुरियान इंडस्ट्रीज, मिस्टर सुरेंद्र अरोड़ा, एमडी वर्गो ग्रुप, मिस्टर उमेश नेमानी, एमडी डीपी प्लाईवुड, मिस्टर अजय छाजर, एमडी अंबिका हाइड्रोलिक्स, मिस्टर रविंद्र छाजर, एमडी अंबिका हाइड्रोलिक्स, मिस्टर प्रगत द्विवेदी, फाउंडर प्लाई रिपोर्टर, एंड मिस्टर राजीव पराशर, एडिटर प्लाई रिपोर्टर। अब मैं अंबिका प्रेस के कर्ता धर्ता श्री रविंद्र छाजर जी को आमंत्रित करूंगी कि आज के आयोजन का संचालन करें। मिस्टर रविंद्र छाजर जी, रविंद्र जी आप अपना माइक जो है अनम्यूट कर लीजिए। सबसे पहले सभी आए हुए पैनलिस्ट, मेरे मेहमानों और मेरे इसमें तो कई जन मेरे अंकल्स भी हैं, सभी का स्वागत है। स्पीकर्स का स्वागत करता हूं और हमारी ऑडियंस का स्वागत करता हूं। आप लोगों का आज के दिन आना, मेरे पिताजी के 73वें जन्म दिवस पे आप लोगों का आना मेरे लिए बहुत बड़ा गर्व की बात है। इस विशेष में मैं आपको एक मेरे पिताजी की कुछ सेकेंड्स की झलकियां दिखाना चाहता हूं। फोटो क्लिप्स
वैसे तो उनकी यात्रा के बहुत से पहलू हैं, हर पहलू किसी न किसी के साथ जुड़े हुए हैं, कुछ खट्टे मीठे पहलू, कुछ ज्यादा यादगार पहलू। 1980 दशक से ही पहलू शुरुआत हो जाती है पहलुओं की। इसी श्रृंखला में मैं आमंत्रित करूंगा सज्जन भजनका जी को, वो अपनी याद ताजा करें, दो सब पिताजी के लिए बोलें और अंबिका के लिए विशेष बोले। सज्जन भजनका जी अंकल, हाँ धन्यवाद रविंद्र। मुझे बहुत खुशी हो रही है आज इस अवसर पर सबसे मुखातिब होके। मेरे ख्याल से आ रही आवाज आ रही है, आवाज आ रही है अंकल। मेरे ख्याल से लिंक कट गई है। मुझे आज हाँ ठीक है, मुझे आज सबसे जुड़कर बहुत खुशी हो रही है। अभय मेरा बहुत ही प्रिय मित्र था, हम लोगों ने काफी साल बहुत अंतर्गतता से साथ बिताए। मुझे आज भी पुरानी बातें याद है, जब मेरे आरंभिक दिनों में मैंने और अभय ने मिलकर प्लाईवुड की ट्रेडिंग का कुछ काम चालू किया था, लेकिन बहुत कम दिनों में मुझे समझ में आ गया कि ट्रेडिंग इज नॉट माय कप ऑफ टी। तो मैंने अभय को कहा, एक प्लाईवुड की दुकान भी गुवाहाटी में की थी, एक दिन मैं पूरे दिन वहां बैठा था तो शाम होते होते मैंने अभय को कहा, यह मेरे बस का काम नहीं है, तुम दुकान संभालो, तुम्हारा काम संभालो, मेरा तो छोटा मोटा जो भी मैन्युफैक्चरिंग का करूंगा मुझे उसी में मजा आता है। तो उसके बाद में फिर दोबारा मैंने कभी ट्रेडिंग की तरफ घूम के देखा नहीं, और एक छोटी सी वीर यूनिट से चालू कर तो जहां आज हूं वो तो सब भगवान की कृपा है और आप सबकी शुभकामना है। तो अभय और हमारा काफी साथ रहा, जहां तक अभी बताया जा रहा था, अजय बता रहा था कि पहला प्रेस मेरे ख्याल से सुविधाम प्लाईवुड के लिए मुरारी बाबू के लिए उन्होंने बनाया था, लेकिन उनका पहला प्रेस चालू था एसोसिएट प्लाईवुड में, तो वो बनके आ रहा था उसी समय हमारा हुआ, तो हम पहला प्रेस लगा रहे थे, तो फिर अंबिका का प्रेस ही था वो, और उसके काफी सालों तक सेंचुरी के अंदर सारी यूनिटों में अंबिका के ही प्रेस लगे। मुझे मैं इसलिए भी आज रविंद्र को धन्यवाद दूंगा कि आज एक साथ इतने साथियों का चेहरा देखने को मिला, कहां सुरेंद्र जी, मक्खन गटानी, जिनसे मैं तो मुझे याद नहीं आ रहा है लास्ट में कब मिला था, और कई मित्र मधुकर, राजेश, राकेश, तो आज काफी लोग जो हैं उनसे मुखातिब होने का मौका मिला। तो मैं अंबिका को पूरी बधाई देता हूँ इस मुकाम के लिए, और जितनी गुणवत्ता के साथ उन्होंने प्राइवेट दृष्टि की सेवा की है, अंबिका की शुक्रगुजार है, और मैं कामना करता हूँ कि भविष्य में भी वो इसी तरह आगे बढ़ेंगे। विश्व में जो नई नई तकनीक आ रही है प्लाईवुड के उससे जुड़े उद्योग के लिए, वो भी निरंतर उस पर एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे और अन्वेषण के बाद उसको भारत में विकसित करके उद्योग को मुहैया करवाएंगे। और मैं आज अपने सारे मित्र उन सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि इस अवसर पर उन्होंने अपना को दिया। धन्यवाद सज्जन अंकल, और आपकी आशा पे हमेशा निरंतर हम खरे उतरेंगे, यही हमारी कोशिश रहेगी, और नई नई तकनीकों को अडॉप्ट करते हुए इस इंडस्ट्री की और देश की सेवा करते रहेंगे। धन्यवाद। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए
मैं राजेश जी मित्तल से अनुग्रह करूंगा कि अपने दो शब्द पिताजी के बारे में और अंबिका के बारे में कहें। थैंक यू रविंदर। सबसे पहले तो मैं सारे पैनलिस्ट को नमस्कार करता हूँ, सबको जो सुन रहे हैं, हार्दिक हार्दिक नमस्कार सबको। अभय जी से मेरा मतलब, मैं जब तिनसुकिया में रहता था तो हम जहाँ मैं रहता था उनकी ऑफिस एकदम बगल में थी हम लोगों की, तो बहुत रेगुलर उनसे मिलना होता था और स्पेशली हमारे जब होली का प्रोग्राम करते थे तो बहुत ज्यादा ही उठती थी उनसे, काफी घनिष्ठा थी मेरी उस टाइम। एंड अरबी मतलब कई बार मैंने अभय जी से मतलब अपनी मतलब कई लड़ाई भी ली है उनसे, कई बार उनसे जब मैं उस टाइम मेरा करियर स्टार्ट ही किया था मैंने, तो कई बार उनसे बहुत बहुत मेरे को कई बार उनसे मेरे को अपनी कुछ शिक्षाएं भी मिली हैं, ठीक है ना, बहुत मैंने कुछ सीखा भी है इनसे। और मेरे को याद है कि जब से साथ पहली आई डोंट नो माई फैम राइट हमने सब लेमिनेट्स का हम लोगों ने प्लांट लगाया था 1991-92 में, तो सबसे पहले से लेमिनेट की प्रेस यही बनवाई थी यहाँ पे, ठीक है, उस टाइम भी सभी आप लोग का फर्स्ट था उसके अंदर में। और अच्छा है, एंड रविंदर बहुत अच्छा कर रहे हो तुम भी पूरे अपने मतलब पूरे हाइड्रोलिक को या अंबिका हाइड्रोलिक को जैसे पापा ने चालू किया था बहुत अच्छा बढ़ाया है, ठीक है, मेरे इसके लिए बहुत अच्छी मेरी सारी शुभकामनाएं तुमको। और रही हमारी प्रेस की बात, आई थिंक हमारे ग्रुप में भी मैक्सिमम प्रेसेज अंबिका की हैं, हार्डली एक दो इधर कोई हो सकती हैं, लेकिन मैक्सिमम अंबिका की ही हमारे पास प्रेसेज है सारी की सारी, और अभी भी हमारा झुकाव पहले अंबिका ही रहता है ऑलवेज, ठीक है। यही उम्मीद करता हूँ कि पूरी अंबिका की टीम वैसी सर्विस देती रहे, नई नई चीजें करती रहे, ठीक है, पूरी इंडस्ट्री के लिए बहुत बेटर रहेगा। और मैं इस मौके पे अभय जी को बहुत बहुत 70th बर्थडे में बहुत बहुत श्रद्धांजलि एंड प्रणाम भी करना चाह रहा हूँ, एंड विश ऑल द बेस्ट रविंदर टू यू एंड योर टीम, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद राजेश जी, जैसा कि आपने हमें पहली प्रेस सनमाइका का बनाने का मौका दिया, आपको जान के खुशी होगी आज हिंदुस्तान की मेरे हिसाब से सबसे बड़े साइज की प्रेस स्टाइल में, जगदीश जी बताएंगे, उनके यहाँ चल रही है 14 फीट बाई 6 फीट की सनमाइका की प्रेस। धन्यवाद राजेश जी। इसी श्रृंखला में मैं आगे बुलाना चाहूंगा पिताजी के अजीज मित्र मधुकर जी अग्रवाल को, जो कि अपने और पिताजी के बीच की जो भी उनकी यादें हैं उसको बताएंगे और अंबिका के लिए विशेष देंगे। मधुकर जी अग्रवाल। अग्रवाल जी आपका शायद माइक जो है वो म्यूट है। आज अभय के जन्म की 73वीं पुण्यतिथि है, इस शुभ अवसर पर अभय को मेरा सत सत नमन और हार्दिक श्रद्धांजलि। अभय से मेरा दोस्ताना लगभग 40 साल या 45 साल पुराना है, जब हम सब तिनसुकिया में रहा करते थे। परिस्थितिवश लेट 80s में हमको तिनसुकिया छोड़ना पड़ा, अभय को भी और मेरे को भी। मैं बंबई चला आया और अभय राजस्थान होते हुए अहमदाबाद पहुंच गया। अहमदाबाद आने के बाद अभय ने अंबिका हाइड्रोलिक्स का अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया। अपनी मेहनत, ईमानदारी और सूझबूझ से उसने उसे एक नए मुकाम तक पहुंचाया। परिवार के दूसरे सदस्यों ने तथा बच्चों ने इस कार्य में उसका पूरा पूरा साथ दिया। शुरू में अंबिका के अंदर प्लाईवुड की प्रेसेज बनाते थे, पर धीरे धीरे एक्सपांशन करते चले गए। आज यह कंपनी लेमिनेट के प्रेसेज बनाती है, डेंसिफाइड वुड की प्रेसेज बनाती है, इसके अलावा रबर, लेदर और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम आने वाली दूसरी मशीनरीज भी बनाती है। धीरे धीरे सक्सेस मिलती गई और कारवां आगे बढ़ता गया। आज अंबिका इज फुल्ली इक्विप्ड विथ हाई एंड प्रेसिशन मशीन्स, और वैसा होने की वजह से अच्छी क्वालिटी की प्रेसेस और अन्य मशीनरी बनाने में सक्षम है।
हर समय नए नए डेवलपमेंट्स करते रहना, मॉडर्नाइजेशन, ऑटोमेशन, इनोवेशन, डिजिटाइजेशन, ये इनकी एक प्राथमिकता रही है जिसने इनको एक ऊंचे मुकाम तक पहुंचाया है। अब मैं मेरा एक्सपीरियंस से थोड़ी सी बात करूंगा कि भाई इनकी सफलता का सबसे बड़ा राज क्या है। मेरे विचार में इनकी सफलता का सबसे बड़ा अच्छी क्वालिटी की मशीनें सप्लाई करना, अच्छी से अच्छी आफ्टर सेल सर्विस, टाइम शेड्यूल को मेंटेन करना, डिलीवरी टाइम शेड्यूल को, और समय पर टाइमली स्टोर्स और स्पेयर्स और कंपोनेंट्स को अपने क्लाइंट्स को उपलब्ध करा देना ताकि उनकी फैक्ट्री कम से कम समय तक रिपेयर के टाइम पे बंद रह सके। और इसके ऊपर इससे भी बढ़िया और इनका ये रहा है कि सबसे अच्छा व्यवहार रखना। आज इतना समय गुजर गया, रविंदर को कभी भी काम के लिए अगर कभी भी फोन किया है तो उसके मुंह से ना नहीं सुना है। अभय की शायद सबसे बड़ी शिक्षा अपने बच्चों को यही है कि सबके साथ प्रेम और मृदुल व्यवहार रखना। ईश्वर करे यह कंपनी इसी तरह फले फूले, दिन दूनी और रात चौगुनी उन्नति करे। नमस्कार। धन्यवाद अंकल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो कि आपने इतनी मीठी और मधुर यादें हमारे सबके साथ शेयर की, और आपकी कोई भी इच्छा होगी उसके लिए हम खरे उतरने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। इसी श्रृंखला में मैं सचिन जी डोकानिया को आमंत्रित करता हूँ। वो पिताजी के बहुत अच्छे मित्रों में से एक हैं। वो अपने सफर के बारे में और अंबिका के बारे में दो शब्द कहें। सचिन जी डोकानिया। डोकानिया जी शायद हमारे साथ सेशन में अभी जुड़े नहीं है। जुड़ चुके थे वो पहले, अभी मुझे सेशन में वो दिख नहीं रहे हैं। अगर डोकानिया जी अगर आप है तो आप प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। डोकानिया जी सेशन में तो नहीं है सर। नहीं है। नहीं नहीं। अगली श्रृंखला में मैं राकेश जी अग्रवाल अमूल्या मायका को आमंत्रित करता हूँ। जो अभय जी को चाचा जी बोल के कहते थे वो दो शब्द बोले। गुड मॉर्निंग साथियों। हाँ भाई रविंदर, अभय चाचा जी को मैं हमारे बचपन से जन्म से जानता हूं। हम लोग तिनसुकिया माकुम रोड में जहां रहते थे वहीं उनके सामने आप लोगों का घर था, तो पूरे परिवार के साथ में पारिवारिक संबंध एक था। और होली का जो प्रोग्राम जब भी आता है तो हमारे पिताजी आपके पूरे परिवार को खूब याद करते हैं। होली माकुम रोड की वो अपनी पुरानी होली हमेशा खूब याद करते हैं, हमेशा मैं भी उसको याद करता हूँ। अभय चाचा जी की आज 73वें बर्थडे को मैं उनको सत्सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और हमेशा ही हमने उनसे कुछ न कुछ सीखा। उनका व्यवहार हमारे लिए बड़ा पुत्रवत था और रविंद्र मेरे लिए छोटा भाई जैसा ही है। 1998 में हमने बनवाई दादाजी के सहयोग से आसाम से गांधीधाम शिफ्ट हो पाए और अमूल बोर्ड प्लाईवुड यूनिट के लिए फर्स्ट हॉट प्रेस का जो काम हम लोगों ने किया उसमें उन्हीं की अंबिका की प्रेस आई। उसके बाद हमारे लेमिनेट प्लाईवुड प्लांट में जितने भी प्रेसें लगी सब अंबिका की आई और हमने कहीं भी उसमें कोई प्रॉब्लम कभी महसूस नहीं की। हमने हमेशा बेस्ट सर्विस और सेटिस्फेक्शन पाया एंड इट इज रियली मोर देन वैल्यू फॉर मनी, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। हमारे जानकार सर्किल में कहीं भी किसी को अगर प्रेस की जरूरत पड़ी, मशीनरी की जरूरत पड़ी तो हमने अनिरपेक्ष एक ही नाम अंबिका का सुझाया। भाई रविंदर को अंबिका के हाइड्रोलिक्स के लिए खूब खूब व्यापार के लिए तरक्की करे ऐसी हमारी खूब अपेक्षा है। वो तो हमेशा R&D में लगे रहते हैं, कुछ न कुछ इनोवेशन करते हैं। भाई रविंदर अब तो डिजिटल का जमाना है, मेरा रिक्वेस्ट है कि डिजिटल में कुछ R&D करो, कुछ मशीन में ऐसा इनोवेशन लाओ जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी प्रोडक्टिविटी बढ़े, एनर्जी की कुछ सेविंग हो सके।
साथ ही साथ कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी हो। और ये जो R&D आप करें उसमें जो पुरानी मशीन अपने लगी हुई है और लोगों में उसमें भी ये सुविधा उनको भी मिल पाए, ऐसा भी अपना प्रयास करना चाहिए। मैं पुनः अभी चाचा जी के जन्मदिन पर उनको नमन करता हूं और रविंदर के लिए खूब खूब शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर करे अंबिका हाइड्रोलिक रात दिन दिन रात चौगुनी उन्नति करे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। धन्यवाद। धन्यवाद राकेश जी, आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। मशीन में भी डिजिटलाइज आएगा, अभी तो मशीन के और हमारे कम्युनिकेशन का डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, जो कि हम फास्ट कम्युनिकेट करें एक दूसरे से, उसके लिए तो हम ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं, जो कि इस प्रोग्राम के अंत में आप देखेंगे। मशीन में कोई भी चीज हो, तकलीफ हो, उसके लिए ये डिजिटलाइजेशन हो चुका है। बाकी आपकी और इच्छा है वो भी जल्दी ही पूरी की जाएगी। अब इसी श्रृंखला में मैं आगे बढ़ाते हुए विर्गो ग्रुप के सुरेंद्र जी अरोड़ा को आमंत्रित करता हूं कि वो दो सब पिताजी के बारे में और अंबिका के बारे में बोले। सुरेंद्र जी अरोड़ा जी नमस्कार। अभी जी की मेरी पहली मुलाकात 99 में हुई थी। मैंने उनको उनके साथ मीटिंग में ये देखा कि हम लोग जो भी प्लान कर रहे थे नया सेटअप करने का लैमिनेट इंडस्ट्री में आने का, तो जब मैं फर्स्ट टाइम अहमदाबाद गया, मेरी मुलाकात 99 में हुई उनके साथ, तो मैंने देखा कि बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं अभी जी, और सपोर्टिव, सबसे बड़ी बात है बहुत ही सपोर्टिव और अग्रेशन। उनका जो बिजनेस के अंदर, काम के अंदर अग्रेशन था, टेक्निकल सपोर्ट के साथ दोषी जी उनके साथ थे। जो मेरी उनकी मुलाकात दो दिन चली वहां पे, तो सेकंड डे हमने जो स्टार्टिंग था तो ऑर्डर देके वापस आए, तो पहली प्रेस जब हमने लगाई हम क्या की, तो ड्यू टू मेरे ख्याल से सजेशन के हिसाब से जो उन्होंने हमें गाइड किया, सपोर्ट किया, उनका अपना बिजनेस में एग्रेशन के साथ साथ जो हमें उन्होंने पॉजिटिव हर चीज बताई, जहाँ कोई हमें कोई आइडिया नहीं था लैमिनेट इंडस्ट्री का, जो भी हमें नॉलेज चाहिए थी उन्होंने इकट्ठा करके दिया। मेरे ख्याल से कोई उनके एकदम क्लियर हार्टेड, डाउन टू अर्थ, जो भी कहें सब कम है, सब कुछ था उनमें। और अंबिका के बारे जो भी ऑन इट सॉरी हाँ सुरेंद्र जी, अंबिका के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जब से हमने स्टार्ट किया, काफी प्रेस ली हमने अंबिका से, और मेरे ख्याल से सर्विस वाइज हमें 1% भी कोई दिक्कत नहीं आई आज तक, उनके साथ भी उनके बाद भी। थैंक यू। धन्यवाद सुरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही हम आगे भी सभी को, आपको और सभी को सपोर्ट करते रहेंगे सर्विस वाइज भी, और इसी चीज को और फास्ट करने के लिए ही ये डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं और ऐप लॉन्च कर रहे हैं, ताकि कोई जस्ट वो एक क्लिक करे वो हमारे सर्विस सेंटर में हाजिर। इमीडिएटली कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उसकी सॉल्यूशन होगा, और कोई चीज है तो हमारी बातों से उसके प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। इसी श्रृंखला में मैं सज्जन जी डोकानिया जी एड हो गए क्या? मानसी Not yet, रविंदर जी, जैसे ही होगा I'll give you a cue. Okay. तो मैं इसी श्रृंखला में आगे आमंत्रित करूंगा अशोक जी अग्रवाल विद्या प्लाईवुड, उनको आमंत्रित करूंगा कि वो दो सब पिताजी के लिए बोले और अपना आशीर्वाद अंबिका को दें। अशोक जी, रविंदर जी, मैंने अपना प्लाईवुड का सफर 1987 से शुरू किया और सबसे पहली प्रेस अंबिका की लगाई। वो समय था, उस समय हमें ABCD नहीं मालूम थी, प्लाईवुड किसे कहते हैं, हम लोग फूड ग्रेन से जुड़े हुए थे, और जब मुझे पता लगा कि प्लाईवुड फैक्ट्री ज़्यादा बेहतर रहेगी मेरी लाइफ के लिए, तो मेरी पहली मुलाकात होगी उस समय, काफ़ी इंप्रेस हुआ, और मेरे को सबसे पहले ऑर्डर प्रेस का उनको देखकर बड़ी खुशी हुई, टाइम पर मुझे प्रेस मिली। और आज विद्या प्लाईवुड में 35 साल हो गए हैं, और भी फैक्ट्रियाँ लग गई हैं, भाइयों की भी लग गई है, लेमिनेट फैक्ट्री में भी आपकी प्रेस गई है, और आपकी काफ़ी प्रेसें बाद में आई, लेकिन वो प्रेस आज भी हम लोग मदर प्लांट के रूप में सुरक्षित रखते हैं। चाहे उससे पड़ोसी छोटी प्रेस थी टेंडे लाइट की थी, उसके बाद काफ़ी बड़ी बड़ी प्रेसें भी दी आपने दी, लेकिन हमने उस प्रेस को अभी तक मेंटेन रखा हुआ है कि वो हमारे लिए एक मदर प्लांट के रूप में है। आज आपकी सर्विसेज, आपका काम, आपका व्यवहार अच्छा है, बहुत बढ़िया है, और मैं चाहूँगा कि जो आप आगे बढ़ाना भी चाह रहे हैं इसी ढंग से बढ़ाते भी रहेंगे, क्योंकि जब आपने कहा कि कितनी बड़ी आपने लेमिनेट प्रेस 14x6 की भी आपने लगा दी है इंडिया में सबसे बड़ी प्रेस,
और इससे बड़ी बड़ी प्रेसें लगाएंगे और अच्छा बढ़िया काम करेंगे। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा आपके बारे में, आपके बाबूजी के बारे में। मैं अकेला ही चला था जानवी मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया, काफ़ी बड़ा आपका कारवां बन चुका है। सब लोग इसी तरह आपसे जुड़े रहेंगे, इसी तरह आप अपने इंडस्ट्रीज की सेवा करते रहें, सारे भाई सारे परिवार के लोग मिलके ये कारवा इंडस्ट्रीज की कारवा को जोड़े रखेगा और आपस में बनाए रखेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद अशोक जी, आपके बहुमूल्य शब्दों के लिए खास धन्यवाद। और इसी तरह हम आपसे हमेशा जुड़े रहेंगे, 24/7 हम आपके सर्विस के लिए हाजिर रहेंगे। इसी कारवा को आगे बढ़ाते हुए मैं आगे आमंत्रित करता हूँ माखन जी गट्टानी को, जोरहाट से माखन जी गट्टानी। सभी को नमस्कार। आज बहुत खुशी हो रही है कि हमारे आसाम से निकले हुए सारे महारथी जो इसमें जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी को प्रणाम करता हूं। और जो देश के दूसरे भागों में प्लाईवुड लाइन से लेमिनेट लाइन से इसमें आए हुए हैं, आज उन्हें देख के बहुत खुशी हो रही है। हमारा अंबिका के साथ संबंध अभय भाई जी के साथ 1996 में जब हमने पहली प्रेस लगाई थी और मैं पहली बार जब अहमदाबाद गया था, हम लोग एयरपोर्ट से उतर के सीधे उनके घर गए थे और उनसे बात करने के बाद अभय भाई जी को हमने कहा कि आप एक होटल बुक कर दीजिए रहने के लिए। उन्होंने कहा आसाम से जोरहाट से आए हो, होटल की क्या जरूरत है, इसी एक घर में कमरा खुलवा दिया, बोले यहीं खाओ यहीं रहो और कल की फ्लाइट से वापस जोरहाट चले जाओ, आपकी प्रेस पहुंच जाएगी। वहां से हमारा अंबिका के साथ सफर चालू हुआ, जो आज 25 साल बाद भी 5 प्रेसें हमारे पास है, 5वां अंबिका की चल रही है, किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है। और अभय भाई जी की एक कहानी और, जब वो दिमापुर से तिनसुकिया जा रहे थे, एक बार उन्होंने मेरे को फोन किया कि मैं जोरहाट होते हुए रास्ते से निकलूंगा तो आपके यहाँ खाना खाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई जी, क्या बनवाना है? तो बोले बनवाना कुछ नहीं है, जो घर में रेडी है आप रेडी रखना, बस 2 मिनट के लिए रुकूंगा। तो इतने डाउन टू अर्थ पर्सन थे कि एकदम पारिवारिक माहौल के जैसे तब भी लगता था, और आज भी रविंदर जी के साथ वैसा ही एक संपर्क है। बहुत खुशी की बात है कि अंबिका हाइड्रोलिक्स बहुत उन्नति कर रहा है। रिक्वेस्ट यही रहेगी कि जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में आती है उसको वो एडॉप्ट करें, हम इंडस्ट्रियलिस्टों तक पहुंचाएं, तो उससे सभी इंडियन इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा। आज अभय भाई जी की 73वीं जन्मदिन पर मैं उनको सत सत नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, और अंबिका हाइड्रोलिक्स की प्रगति के लिए शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद सभी को। धन्यवाद माखन जी, ये आपकी विशेष जरूर जरूर पूरी होगी। जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, वैसे वैसे हम हमारे जो अभी आज लॉन्च करेंगे ऐप, उसके माध्यम से सभी को नोटिफिकेशन से मालूम होता रहेगा और हम इम्प्लीमेंट करते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। इसी श्रृंखला में मैं आगे बुलाऊंगा जगदीश जी गुप्ता को, चेयरमैन स्टाइलम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जगदीश जी गुप्ता, 2 शब्द बोले। नमस्कार रविंद्र जी, नमस्कार टू एवरीवन। मैं आपके पिताजी को कभी मिला तो नहीं अभय जी को, बट शायद मेरा ब्रदर उनको काफी दफा मिला, उनसे भी सुना था और सब लोगों से भी सुन रहा हूँ कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी फ्रॉम 82 में स्टार्ट की और दिस अंबिका नाउ। एज फॉर वी फील प्राउड दैट हमने सबसे बड़ी प्रेस 6x14 साइज जो कि आपसे ली, अब भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है हमारी, मोस्टली प्रेस नॉट ऑल 70-80 प्रेस सभी हमने अंबिका की ही ले रहे हैं। वी आर क्वाइट सेटिस्फाइड विद देयर परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग, एंड आई एम होपफुल दैट इन फ्यूचर ऑल्सो दिस कंपनी विल बी ग्रो एंड अवर फुल कोऑपरेशन एंड विल बी विद देम इन फ्यूचर। रविंदर जी रियली, जब भी मैंने आपको कभी भी फोन किया है, जैसे पहले लोग भी कह रहे थे आई फील प्राउड दैट, तब इमीडिएटली आपने सब प्रॉब्लमें जो भी होती थी हमारी सॉल्व की, जबकि मैं कभी इंडस्ट्री में इन्वॉल्व नहीं था, माई ब्रदर वॉज फुल्ली इन्वॉल्व एंड ही वो आपके साथ आपके पिताजी के साथ वही इन टच में थे फ्रॉम द डे। पर भगवान
कंपनी को और ग्रो कराए, हमारी तो यही विषय है। धन्यवाद जगदीश जी। वैसे सतीश जी से भी मेरा काफी और मेरे पिताजी का काफी पर्सनल टच रहा है और बस वही है। धन्यवाद जगदीश जी। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मैं बिमल जी चोपड़ा मेट्रोवुड उनको आमंत्रित करता हूं। सभी से जय जिनेंद्र। आज अभय राज जी छाजेड जी साहब की 73वीं जन्मदिन पर मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। श्री अभय राज जी से मेरी मुलाकात 1994-95 में हुई थी, जब मैं अहमदाबाद गया और मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था वो, मैंने पहली प्रेस उनसे ली। उनसे मिल करके वो बहुत ही हमें पॉजिटिव आदमी मिले और बहुत ही सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति थे। उनकी सोच से आज मैं उनके आशीर्वाद से यहाँ इस मेट्रो ग्रुप में इतना आगे बढ़ा हूँ, ये मेरा मानना है। उनके भाई साहब अजय राज जी से भी मेरा संपर्क हुआ था, वो भी बहुत जोशीले आदमी थे, उनकी प्रेरणा भी मेरे लिए बहुत काम आई। मैं बाद में ज़्यादा नहीं मिल पाया अभय राज जी से, लेकिन जब भी फोन पर बात होती थी तो मेरे को उनका विशेष स्नेह मेरे पर था, उनका आशीर्वाद हमेशा रहा, बहुत लगाव था उनसे, कई बार फोन पर बात हुई थी। वे बहुत ही नेक दिल उदारमना व्यक्ति थे, भामाशाह थे, हमारे समाज में और भी हर काम में वो आगे रहते थे। वही गुण आज भाई रविंद्र जी में देखने को मिल रहे हैं। इस कोरोना काल में भी वो समाज के लिए या कहीं भी कोई भी जरूरत होती है हमेशा आगे तत्पर रहते हैं, वो पारिवारिक गुण आज रविंद्र जी में विद्यमान नजर आते हैं। मैं ये जो डिजिटल ऐप डेवलप किया है इन्होंने, ये समय की मांग के अनुसार इन्होंने ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है और ये आगे की आगे सोच के अनुसार ये चल रहे हैं। इस ऐप के वजह से इनका हम लोगों से संपर्क, हर तरह का काम आगे अच्छा चलेगा, ऐसी मुझे आशा है। मैं इनके लिए बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ, ये आगे से आगे ऐसे ही बढ़ते जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विमल जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। और इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए अमृत पटेल जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, सिग्नेचर लैमिनेट्स। अमृत पटेल जी जिनका भी काफी संपर्क रहा है पिताजी से और खासकर मेरे ऊपर भी उनका काफी स्नेह रहा है। अमृत पटेल जी सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार, फ्लाई रिपोर्टर और अंबिका परिवार को भी मेरा नमस्कार। आज अभय बाबू की 73वीं जन्म जयंती है तो उस दिन मैं अभय बाबू को याद करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मैं अपना अभय बाबू के साथ एक्सपीरियंस की बात करूं तो मेरी पहली मुलाकात 1992 में अभय जी से हुई, जब हमने पहली बार अहमदाबाद के नजदीक आनंद में प्लाईवुड फैक्ट्री लगाने का तय किया तो मन में काफी संशय होते हैं कि कैसे होगा क्या होगा। तो उस वक्त हम अभय बाबू को मिले तो अभय बाबू ने हमारे सारे संशय दूर कर दिए और हमें इतनी पॉजिटिविटी दी कि हमने वो प्लाई फैक्ट्री भी लगाई, वहां विनियर यूनिट भी लगाया और आगे बढ़ते बढ़ते 2001 में हमने लेमिनेट फैक्ट्री लगाई। तो आज जो कुछ भी अभय बाबू जो डाउन टू अर्थ थे और अभय बाबू का जो मिलनसार स्वभाव था, और दूसरा अभय बाबू का मोटो था कस्टमर सेटिस्फेक्शन, और उसी प्रिंसिपल को आगे लेके आज रविंद्र भाई भी आगे चल रहे हैं। तो आज जो भी ऐप लॉन्च कर रहे हैं तो मैं कहूंगा कि आपको खूब खूब धन्यवाद और बधाई, और आपको आने वाले दिनों में हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। धन्यवाद अमृत भाई, और आपकी जो सोच है और आपके जो विशेष है उन्हीं को ही आगे लेके चलेंगे, वही पॉजिटिव एटीट्यूड पॉजिटिव मोटो से आगे बढ़ते रहेंगे और इंडस्ट्री की सेवा करते रहेंगे। इसी श्रृंखला में मैं आगे बढ़ते हुए वीके पटेल कल्पतरु डॉट्स बॉम्बे उनको आमंत्रित करूंगा। हालांकि वो मेरे पिताजी से ज्यादा रूबरू तो नहीं हुए पर आज
मेरे से काफी इंटरेक्शन में हैं, प्लस कलपतरू डोर को तो कौन नहीं जानता, और अंबिका फैमिली से अच्छी तरह से इंटरेक्शन में। दो शब्द विकी भाई। नमस्कार सभी पैनलिस्ट को और खास करके अंबिका ग्रुप और प्राय रिपोर्टर को, ये पार्टिसिपेशन के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और श्री अभय बाबू जी के 73वें जन्मतिथि पे मैं उनको सशक्त नमन करता हूँ। और जैसा रविंद्र भाई से तो हम काफी परिचित हैं, और ऊपर वाले की मेहरबानी से हमारे सारे प्लांट में रविंद्र भाई के प्रेस लगे हुए हैं, और उनको ढेर ढेर शुभकामनाएं रविंद्र भाई को कि जिस हिसाब से मुहिम छेड़ी है। हम तो ये कहेंगे कि जहां पे भी अगर प्रेस है तो अंबिका की होनी चाहिए, अगर वो पैनल है तो, यानी जस्ट एक पैटर्न हो गया है कि प्रेस मीन्स अंबिका। तो ये मुहिम जैसे अभय बाबू ने शुरुआत की थी, और भाई साहब रविंद्र जी भी उनको अच्छी तरह से कैरी कर रहे हैं, तो हमारी ढेर ढेर शुभकामनाएं, खूब तरक्की करे, तीन दोगुना हाथ चौगुनी तरक्की हो, यही प्रार्थना करते हैं। साथ मैं अपना सबको विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद वीके पटेल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुभेच्छा के लिए। अब इस कड़ी में मैं आगे आमंत्रित करूंगा पदम जैन जी को, जो कि वैसे मेरे भाई भी हैं और इंदिरा नगर में प्लाईवुड इंडस्ट्री भी चला रहे हैं, और दो शब्द के लिए आमंत्रित करूंगा। पदम जी, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। पदम जी, अभी अनम्यूट हो गया जी। जी हाँ, अब बेराज मामा जी थे मेरे, मैं उनको नमन करता हूँ। मैंने अभयराज जी से बहुत कुछ सीखा है, मुझे प्लाईवुड इंडस्ट्री में लाने वाले श्री अभयराज जी छाजेड़ी ही हैं। आज मैं जो कुछ भी हूँ, जहां भी हूँ, उनकी ही देन है, और उनसे बहुत कुछ सीखने, जीवन में प्रामाणिकता, सिंप्लिसिटी, सपोर्टिव होना चाहिए, ये सब चीजें मैंने उनसे ही सीखी है। अभी जैसे कि हम लोग इस जूम मीटिंग में सुन रहे थे, मैं मानता हूं कि प्लाईवुड इंडस्ट्री के स्टालवर्ट्स थे, सभी हैं अभी मौजूद इसमें, इन लोगों की जो बातें सुनी मैंने अभयराज जी के विषय में, जो ये लोग बोल रहे थे, सबको बड़ी प्रसन्नता के साथ, इससे लगता है कि उनका अभयराज जी का जो एक नेचर था वो कितना विशाल था। जहां तक सवाल इंडस्ट्रीज का है, अंबिका का है, वो हम लोग सभी कोई जानते हैं, जो कोई भी उनकी मशीनरीज को यूज करते हैं सबको पता है कि भाई ये क्वालिटी में, सर्विसेज में, व्यवहार में पैरेलल है, दूसरा कोई इनका मुकाबला नहीं कर सकता, बेजोड़ हैं ये लोग। इसमें सपोर्ट है, मेरी बहुत बहुत शुभकामना है रविंदर को कि वो आज जो ऐप लॉन्च कर रहा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, तो वो मशीनरी में भी, जैसा कि मधुकर जी ने कहा था कि उसमें कुछ डिजिटल सिस्टम वगैरह ये सब राकेश जी ने भी कहा है, तो मैं भी यही चीज कहूंगा कि भाई डिजिटाइज करे सभी चीजों को वो, और हम लोगों को फास्ट से फास्ट सर्विसेज मिले, डिजिटल हो जाए तो शायद हम लोगों को मैन पावर प्रॉब्लम वगैरह थोड़ी सॉल्व होगी उसमें, क्योंकि उतने ट्रेंड स्टाफ अभी मिलते नहीं है। डिजिटल होगा तो सारा काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो मेरी शुभकामना है रविंदर कि इन चीजों को लेकर के तुम और आगे बढ़ो और आगे सफल हो। नमन। धन्यवाद पदम भाई जी। अब मानसी सज्जन जी डोकानिया आगे क्या? मैं चेक कर लेती हूँ सर, मेरे हिसाब से नहीं, अभी नहीं आए। ओके, तो सही बात है, सभी ने एक ही बात कही है, और पिताजी सबके लिए हमेशा मददगार रहे। पिताजी की हमेशा एक सोच थी कि अपने विचार, जो अपने विचार है, एप्रिहेंशन से मत बनाओ, किसी के डर से, दबाव से नहीं, अपने विचार जो बनाने हैं वो ऑब्जर्वेशन से बनाओ, मतलब सोचो क्या आगे चल रहा है, क्या पॉजिटिव आगे चल रहा है, क्या और चल सकता है, उस हिसाब से बनाओ।
यही सोच लेके हम आगे चल रहे हैं। आज के दिन यही कुछ कोरोना काल में ऐसा फुर्सत का समय भी मिला कि इस इंडस्ट्री के लिए सोचें, तो दिमाग में एक चीज आई, कुछ ऐसा सोचें कि इंडस्ट्री को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट मिले। वही सोच करके ये ऐप का दिमाग में आया, फिर इसी को आगे डेवलप करते चार पांच महानुभव से बात हुई, किसी के पॉजिटिव व्यूज थे, किसी के नेगेटिव व्यूज थे, लेकिन सबके एक व्यू थे कि ये क्लिक करेगा, आज नहीं तो कल क्लिक करेगा और सबको सहूलियत होगी। यही सोच करके हम आगे बढ़ रहे हैं, निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। अब मैं आगे मानसी को माइक देता हूं ताकि आगे का प्रोग्राम कंडक्ट करें। सभी माननीय अतिथियों और फेसबुक से जुड़े सभी लोगों को मैं एक बार फिर से स्वागत करते हुए बताना चाहूंगी कि आज के इस यादगार मौके को मिलकर एक पत्थर बनाने के लिए अंबिका हाइड्रोलिक्स ने प्रेस सिस्टम में बेहतर सर्विस देने, उनसे तुरंत कनेक्ट करने, इस डिजिटल युग का लाभ उठाने एक शानदार डिजिटल ऐप तैयार किया है। इसका नाम है अंबिका प्रेस ऐप। इस सेक्टर के तमाम माननीय लोगों की मौजूदगी में मैं अंबिका हाइड्रोलिक्स के MD श्री रविंदर छाजड़ और श्री अजय छाजड़ जी के साथ सभी गेस्ट की अनुमति लेते हुए अंबिका द्वारा क्रिएट किया गया इस न्यू ऐप का एक वीडियो आप सभी को दिखाना चाहूंगी। वेलकम टू अंबिका प्रेस मोबाइल एप्लीकेशन सिस्टम। वंस यू क्लिक द ऐप आइकन यू आर इन द अंबिका प्रेस ऐप एंड यू आर एट होम पेज। लेट्स सी ऑल द फीचर्स ऑफ द ऐप फ्रॉम द मेन्यू and enter in about Ambika. Here you can get all the information about Ambika's growth. With the mission offering world-class products and value-added services to our clients, with the vision of adopting new age technology to meet with customized demands. We follow strict quality policy from selection of raw materials to finished products. We are proud to have qualified, trained and experienced professionals to ensure best quality results. Constant R&D in infrastructure and technology have always played a big role in the growth of Ambika. You are just one click away from Team Ambika for your any queries. Here you get all detailed information of Ambika's all kinds of hydraulic presses like plywoods, laminates, short cycle, rubber presses and many more. Just click on the required product and get full information. You can inquire about your required products just by submitting inquiry form duly filled along with all details. Here you can also download Ambika's full range catalog just by a click. A customer can select the required spares and ancillary items from the wide range of products listed in the application. Customers can also inquire their required products through submitting the inquiry form. They will get the reply on their provided contact details. We are open 24/7 to solve your problems through our service center. Our experienced engineers are always available to solve your problems through video conferencing. In this gallery, customers can see the pictures of our various presses. Customers can send their feedbacks through this application to help us to improve further. Go to Google Play Store, type Ambika Press and install the application. Register yourself with your mobile number and avail all the services of Ambika. By using this application, maximum numbers of customers can connect with us. By this way, they also get aware about Ambika brand. Subscribers will get information on innovation and developments on regular basis.
subscribers will get detailed information of Ambika Hydraulics products and services. 24/7 service center with video calling facility is available. It is an easy to use mobile application, so it is a user friendly application. Thank you. अब मैं श्री राजी पराशर जी से आग्रह करूंगी कि इस ऐप के बारे में रविंदर जी से कुछ सवाल पूछें। राजीव जी, थैंक यू मानसी। मैं अपनी टेक टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा वीडियो स्टार्ट करिए। होस्ट प्लीज। यस, अभी आ गया। सही। बहुत बहुत सबसे पहले शुभकामना है रविंदर जी आपको। धन्यवाद। और मैं सबसे पहले प्लाई रिपोर्टर की तरफ से जितने भी हमारे यहाँ पे पैनलिस्ट हैं और प्लाई रिपोर्टर के फेसबुक पेज पे जितने लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सभी का मैं धन्यवाद करूंगा और स्वागत करूंगा। रविंदर जी, आज मौका भी है और दस्तूर भी है। मौका है आपके पिताजी श्री अभय राज जी का आज 13वां जयंती है, जन्म दिवस है। तो मैं प्लाई रिपोर्टर की तरफ से मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करूंगा, उनको श्रद्धांजलि दूंगा और आपको शुभकामना दूंगा कि आपने एक बेहतरीन ऐप लॉन्च किया है इस मौके पे। तो बहुत सारे इंग्लिश में बहुत चीजें बताई हुई थी रविंद्र जी ऐप के बारे में, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था। हालांकि जो हमारी ऑडियंस है उस पैनल का, जैसे जानते हैं कि हिंदी भाषी ज्यादा लोग हैं, समझते हैं, हमारा मैसेज अक्रॉस चला जाता है, तो हो सकता है कि ये वीडियो बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा। तो आपसे निवेदन है कि जरूर इस वीडियो को हिंदी वर्जन में भी बनवाइए और इसको सर्कुलेट कीजिएगा। मेरा आपसे सवाल है कि क्या मतलब प्रेस सिस्टम में ऐप, चूंकि आपका नंबर तो सबके पास होता है, तो क्या जरूरत पड़ गई, क्या ऑब्जेक्टिव है इस ऐप का? ऑब्जेक्टिव, ये अच्छा सवाल है। मेरा नंबर सबके पास होता है और कभी कभी कुछ ऐसे इंटीरियर वाले भी हैं जिनके पास भी नहीं होता है। तो ये ऐप एक ऐसा ऐप है कि हर कोई इसको फोन में डाउनलोड करके एक क्लिक करके मेरे साथ पहुंच सकते हैं, मेरे पास आ सकते हैं, इमीडिएट कनेक्शन विद अस अंबिका टीम। दूसरी बात, सबसे बड़ा एक ये है कि कोई भी अपने सर्विस, कोई भी अपने मेंटेनेंस वाले हो, फैक्ट्री के मैनेजर हो, कोई भी हो, जिनको कोई भी ट्रबल शूटिंग आती है, तो ये ऐप को डाउनलोड करेंगे। इस ऐप के अंदर में जो सर्विस सेंटर का नंबर है, उसमें क्लिक करने से सीधी कॉल हमारे सर्विस सेंटर में आएगी, उससे वो सर्विस ले सकते हैं। प्लस कोई भी उनको तकलीफ है, अच्छा, हम इसके अंदर FAQ भी फीड करे हुए हैं, करेंगे आगे भी, कि यदि उनको कोई तकलीफ ऐसी आ रही है तो हमारे ऐप में जाके देख सकते हैं कि ये तकलीफ होने से ये चीज आप कर सकते हो। आज के दिन कोरोना काल में सभी आदमी मोबाइल ऐप डाउनलोड करना सीख गए हैं और इस ऐप का वो भरपूर फायदा उठा सकते हैं, बिना हमें फोन किए हुए, बिना हमें ईमेल किए हुए। जहां मुझे एक फोन उठा के भी कहते थे, वहां ईमेल से के भी कहते थे, तो वो चीज कोई भी लेवल से आप मुझे ऐप के माध्यम से भी कह सकते हैं। जितनी तत्परता से हम फोन में ईमेल में जवाब देते हैं, उतनी ही तत्परता में इस चीज का भी आपको जवाब दिया जाएगा। इसके लिए पूरी एक बैकअप टीम बैठी हुई है। बहुत 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 अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने एक बहुत बढ़िया डिजिटल, आज डिजिटल का जमाना है रविंद्र जी, और सारे लोग डिजिटल हो गए हैं और डेटा इंटरनेट का सबके पास अवेलेबल है। तो जरूर जाहिर सी बात है कि मैन्युफैक्चरर्स जो ऑनर होते हैं, उनका नंबर तो आपके पास होता है, लेकिन उसके बैक में एक प्रोडक्शन की बड़ी टीम होती है, वो भी अब डायरेक्ट रूप से इस ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करके चीजों की जानकारी हासिल कर सकती है। ये बहुत अच्छा प्रयास आपने किया है रविंदर जी। ये सिर्फ सर्विस और कंप्लेन से जुड़ा हुआ मामला है कि ऐप के थ्रू नए ऑर्डर भी दिए जा सकते हैं। आप इंक्वायरी कर सकते हैं कोई भी चीज की, आप इंक्वायरी में नए प्रेस के लिए भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं, तो तुरंत आपको
जो नंबर और जो इंफॉर्मेशन आपकी दी हुई है कॉन्टेक्ट की, उसके थ्रू आपको मेल आ जाएगा, कोटेशंस आ जाएंगे। अच्छा, वो भी एक तो बहुत सारे पदम जी यहाँ पे मौजूद हैं पैनल पे, मैं अपनी टेक टीम से बोलूंगा कि उनको कृपया स्क्रीन पर लाइए अगर मौजूद हो तो। पदम जी एक टेक्निकल आदमी हैं और काफी तकनीकी जानकारी रखते हैं। पदम जी, इंडस्ट्री के तरफ से कोई सवाल है आपका? राजीव जी, पहले तो मैं ये बोलूंगा कि मुझे आप टेक्निकल आदमी मत बोलिए, नहीं तो कहीं फंस जाऊंगा मैं इतना जानकार नहीं हूँ। हाँ ठीक है, काम चलाने के लिए ठीक है। ये ऐप में मैं एक चीज थोड़ा सा ऐसा लगता है, आजकल जैसे हम लोग ये चाहते हैं कि कुछ ह्यूमन टच रहे उसमें, तो ऐप में तो ह्यूमन टच रहेगा नहीं, तो उसके लिए रविंदर इसमें क्या करेगा? उसके लिए रविंदर एक यही करेगा कि आपको तुरंत फोन करेगा। ह्यूमन टच तो वैसे ही आ सकता है, आपकी इंक्वायरी यदि ऐप के थ्रू आती है तो रविंदर आपको कॉल करेगा या आपको मैसेज करेगा या आपके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आपको ईमेल करेगा, यही कर सकता है। बढ़िया। और कोई सवाल पदम जी? नहीं, काफी कुछ इसने डाउट्स क्लियर कर दिए। काफी अच्छा इन्होंने प्रेजेंटेशन, काफी अच्छा वीडियो प्रेजेंटेशन था। मैं प्रगत जी अगर अवेलेबल हैं आज के इस पैनल में, मिस्टर प्रगत द्विवेदी चीफ एडिटर प्लाई रिपोर्टर मैगजीन, तो मैं उनका भी वेलकम करूंगा। प्रगत जी, आपके कोई सवाल हो तो आप रविंदर जी से इस ऐप के बारे में और इस जो मशीनरी इंडस्ट्री है, जो प्रेस इंडस्ट्री है, जो आज के जो माहौल है और जो जरूरत है आगे हमारी इंडस्ट्री को देखते हुए, कोई सवाल पूछिए प्रगत जी। धन्यवाद राजीव, धन्यवाद रविंद्र छज्जर जी और सभी पैनलिस्ट जो आज 73वीं जन्म जयंती के लक्ष्य में आज यहाँ थे। बहुत अच्छा लगा अभय जी का इतना पुराना कनेक्शन और इतना डेडिकेशन, और इसी के आधार पर अंबिका खड़ी है, और इस आधार पे अगर अंबिका खड़ी है, और हमेशा जैसा कि छज्जर जी ने कहा कि वो फॉरवर्ड थिंकिंग की बात करते थे, मैं सीधा सीधा ये पूछना चाहूंगा कि फॉरवर्ड में डिजिटलाइजेशन तो ठीक है, लेकिन डिजिटलाइजेशन प्रोडक्ट के ऊपर ही तो बेस है। कोई भी प्रोडक्ट है उसका प्रेजेंटेशन डिजिटलाइज किया जा रहा है, यानी पहले हम प्रिंटेड ब्रोशर में कोई काम करते थे, अब उसे ऐप में करते हैं, और प्रिंटेड ब्रोशर में फिजिकल इंटरवेंशन चाहिए होता था, ऐप में मैसेज से कर लेते हैं, लेकिन बेस तो प्रोडक्ट ही है। मेरा सवाल सिंपल है कि छज्जर जी, आज बहुत सारे लोगों की प्रेसें हैं मार्केट में, पहले एक दो होती थी, अब दसों है। प्रेस में भी कोई इनोवेशन आने वाला है, आया है, या आप कर रहे हैं? क्वालिटी में कोई डिफरेंस है? दो सवाल एक साथ पूछ रहा हूं। क्वालिटी में कोई डिफरेंस है जो सब जगह है, या आप में कुछ अलग है? दूसरा, क्या प्रेस में भी कोई इनोवेशन आ रहा है, और अंबिका यहां से आगे क्या वे फॉरवर्ड कर रही है? ये पहला सवाल है रविंद्र जी। रही बात है क्वालिटी में, धन्यवाद आपका सवाल, बहुत महत्वपूर्ण है और सबको जानना भी चाहिए इसके लिए। क्वालिटी में डेफिनेटली फर्क, हम लोगों का एक मोटो रहा है वैल्यू फॉर मनी। वैल्यू फॉर मनी का मतलब ये भी नहीं है कि लोअर ग्रेड क्वालिटी दें, और ये भी नहीं है कि बहुत ज्यादा चार्ज करें। अब कंपैरिजन करें हम काफी प्रेस मैन्युफैक्चरों से, उनके रॉ मटेरियल इनपुट में भी क्वालिटी में फर्क हो सकता है, जिसके कारण प्राइसिंग का फर्क होगा। मशीनरीज इन्वेस्टमेंट में भी फर्क हो सकता है। आज हम लोग हर साल करोड़ों की मशीन इन्वेस्ट करते हैं परफेक्शन के लिए, मशीनिंग के लिए, प्रिसीजन के लिए, उसकी भी एक कॉस्ट होती है, तो वो भी आगे लॉन्ग टर्म में कस्टमर को पे करती है, ब्रेक डाउन कम होकर के, तो वो भी फर्क आ सकता है। क्वालिटी में तो फर्क आएगा इन सब चीजों से, और डिजिटलाइज। सेकंड सवाल आपका था क्वालिटी के अलावा आज जो भी सबसे बड़ा फ्यूचर का डेवलपमेंट क्या है, कुछ इनोवेशन आ रहा है क्या? फ्यूचर का डेवलपमेंट अभी यही है, इनोवेशन प्रोसेस में यही है कि वो लंबी चले, ताकि और मैकेनिज्म और परफेक्शन में आए, प्लस रनिंग कॉस्ट कम आए। हाइड्रोलिक साइड में पावर कनेक्शन में रनिंग कॉस्ट कम आए, कम बिजली लगे, ये भी एक इनोवेशन चालू है हमारा और आ भी रहा है अभी प्रेसों में। साथ में आपके ब्रेकडाउन कम हुए, ये सब हो रहे हैं। ब्रेकडाउन में मैंने देखा बहुत बार ऑयल लीक होता है, बहुत बार आज की डेट में लोग बोलते हैं कि हमारी जो वर्टिकल प्रेसों में
डेलाइट की संख्या बढ़ रही है। रविंद्र जी क्या लगता है कि अभी करंट ट्रेंड क्या है, कितनी डेलाइट्स मिनिमम लगानी चाहिए और अंबिका कितनी डेलाइट तक पहुंच गई है? वैसे तो मलेशिया इंडोनेशिया में हमने 50 डेलाइट 45 डेलाइट के ट्रेंड देखे, इंडिया में हम लोग 20 डेलाइट 22 डेलाइट तक पहुंच गए हैं, आगे क्या देख रहे हैं एक साल में जर्नी? नहीं, हम पहला सवाल तो ये कि अंबिका कितनी डेलाइट तक पहुंच सकती है। अंबिका आप 50 डेलाइट बोलोगे बना के दे देगी तो वो कोई दिक्कत नहीं है अंबिका को। कितनी डेलाइट का ट्रेंड आना चाहिए इंडिया में या कितनी डेलाइट तक फीड कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और जैसे जैसे डेलाइट बढ़ेगी आपको प्रेस की स्ट्रेंथनिंग के ऊपर में काफी ध्यान देना होगा। तो काफी एस्पेक्ट्स है, डेलाइट्स जो बोलेंगे वो अंबिका दे सकती है, लेकिन अभी यहां में मैक्सिमम 25 से 30 डेलाइट तक लोग जा रहे हैं। प्लाईवुड इंडस्ट्री में कितनी डेलाइट का ट्रेंड अभी आप देख रहे हैं कि 2023 तक आ जाएगा? 25 डेलाइट 30 25 तक तो आ ही जाना चाहिए, जैसे आज 20 तक रेगुलर चल रहा है 25 तक आ ही जाना चाहिए, क्योंकि लोगों की असेंबलिंग टाइम कम होने लग गई है, असेंबलिंग में भी ऑटोमाइजेशन होने लग गया है, लोडिंग अनलोडिंग में भी ऑटोमाइजेशन होने लग गया है, 25 तक तो आ ही जाना चाहिए। यानी आपके कहने का आशय है कि डेलाइट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हैंडलिंग ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड, एंड अकॉर्डिंगली अगर किसी कंपनी के पास वो फ्लो हो तो वो शायद 30 डेलाइट तक पहुंच सकता है अगले एक दो साल। डेफिनेटली। क्या लैमिनेट में भी ये सेम ट्रेंड देख रहे हैं हम लोग? लैमिनेट में भी ये सेम ट्रेंड आ रहा है, अब जैसे 20 डेलाइट तक आ गए, 24 तक आ गए, लोग 28 तक आ रहे हैं, तो ये सेम ट्रेंड है। उसके अंदर फोमिंग की बात आती है, लैमिनेट्स की जो फोमिंग है, कोई डबल स्टेज में कर रहा है, कोई सिंगल स्टेज में कर रहा है, कोई बोथ साइड कर रहा है। यदि फोमिंग कंप्लीट हो जाती है तो प्रेस के अंदर नंबर ऑफ डेलाइट्स बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रेस का काम है प्रेसिंग देना, प्रॉपर टेम्परेचर देना, और जितनी स्पीड रिक्वायर्ड है प्रेस को, मटेरियल को प्रेसिंग के लिए, ताकि मटेरियल डिलेमिनेट ना हो, मटेरियल प्रिक्योर्ड ना हो, उतना टाइमिंग हाइड्रोलिक्स में देना, तो प्रेस के लिए कोई दिक्कत नहीं है। क्या प्रेसों के जो प्राइसेस होते हैं, जैसे किसी प्रेस का प्राइस कोई 1.5 करोड़ बोलता है, कोई 1 करोड़ बोलता है, मतलब मैं एक एवरेज फिगर, अंदाजे वाली फिगर बोलता हूँ, मतलब गैप रहता है 25-30% का, ये गैप किस बात का है? मैंने सबसे पहले ही कहा था कि ये गैप है रॉ मटेरियल यूजेस का। आप जितना अच्छा प्राइम माल यूज करेंगे, क्वालिटी प्रोडक्ट यूज करेंगे, ग्रेडेड माल, टॉकिंग अबाउट द ग्रेड ऑफ स्टील, ग्रेड या ग्रेडेड ऑफ द ग्रेड ऑफ द स्टील, आप डिन ग्रेड यूज करो, आईएस ग्रेड यूज करो, बल्कि हर लोगों की अलग अलग तरह की प्रैक्टिस होती है कैसा माल यूज करना है। जैसा माल यूज करोगे आप तो वैसी ही क्वालिटी आएगी। धन्यवाद रविंद्र जी, आप इंडस्ट्री के पहले ऐसे मशीन सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शायद हमारी संज्ञान में जो आया है, जो कोरोना काल में भी रीच आउट करने के लिए इस तरह के ऐप का एक इनिशिएटिव ले रहे हैं। मैं यही कहूंगा सभी दर्शकों से कि डिजिटल अपनी जगह है, लेकिन डिजिटल आपका कनेक्ट करने का एक माध्यम है, और डिजिटल को कनेक्शन तक रखिए, लेकिन फिजिकल कनेक्शन और दिलों के कनेक्शन को भी जोड़े रखिए। क्योंकि अभी आपने सुना सभी महान लोगों ने, या जो इंडस्ट्री के पायनियर्स हैं, उन्होंने अपने कनेक्शन की बात की, जो फाउंडर थे अंबिका के, और वो कनेक्शन आज भी याद है, 30 साल 35 साल 40 साल बाद वो कनेक्शन आज भी याद है। व्हाट मैटर्स इज कनेक्शन, एंड व्हाट मैटर्स इज द क्वालिटी एंड इंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट। थैंक यू रविंद्र जी, थैंक यू राजीव, यू कैन टेक फॉरवर्ड द सेशन और वोट ऑफ थैंक्स फॉर टुडे। धन्यवाद प्रगत जी। बीच में एक सवाल पूछना चाहूंगा मैं रविंद्र जी से। हाँ, जरूर, अगर इजाजत हो तो। एकदम इजाजत है अमृत भाई, एकदम इजाजत है। अच्छा रविंद्र जी, जैसे पार्टिकल में साइमल्टेनियस क्लोजिंग प्रेसेस है, तो क्या ये साइमल्टेनियस क्लोजिंग प्रेसेस लेमिनेट और प्लाईवुड में इस्तेमाल की जा सकती है? अगर मेरे ख्याल से उसमें हम लोग कुछ टाइम भी बचा पाएंगे, और क्या ये फिजिबल रहेगा या नहीं रहेगा, इसके बारे में आप जरा बताइए। इसमें सबसे बड़ी बात है प्रेसेस अपन यूज कर सकते हैं साइमल्टेनियस क्लोजिंग, प्लाईवुड में भी यूज कर सकते हैं, लैमिनेट भी यूज कर सकते हैं। पहले तो ये कि साइमल्टेनियस क्लोजिंग चाहिए क्यों पार्टिकल बोर्ड में, क्योंकि पार्टिकल बोर्ड के अंदर सारे पार्टिकल ग्लूड से मिक्स होते हैं, ग्लू से, और ये स्लो स्पीड में ऊपर जाएगा तो ऊपर तक वाला माल प्रिक्योर्ड हो जाएगा,
तो सारी की सारी डेलाइट एक साथ बंद हुए तो वो साइमल्टेनियस प्रोसेस है, इसलिए पार्टिकल बोर्ड में साइमल्टेनियस यूजेज आता है। ये अपन प्लाईवुड में भी यूज कर सकते हैं, लैमिनेट में भी यूज कर सकते हैं। लैमिनेट में एक चैलेंजेस हमारे सामने ये आएगा, इसकी स्टीम लाइन जो साइमल्टेनियस में, यदि आपकी भी पार्टिकल बोर्ड प्लांट आपने देखा है, साइमल्टेनियस के जो कनेक्शन होते हैं, साइमल्टेनियस इक्विपमेंट्स, वो 8 फीट साइड या 10 फीट साइड में लगे होते हैं, उसको फिट करने का चैलेंजेस आता है लैमिनेट्स में, क्योंकि लैमिनेट्स के अंदर में मल्टीपल होल्स हैं, मल्टीपल इनलेट्स हैं, मल्टीपल आउटलेट्स हैं, फिर भी उसका सोच करके ये किया जा सकता है। और इससे नेचुरली हम टाइम बचाएंगे ही बचाएंगे और थोड़ा पावर भी बचाएंगे। साइमल्टेनियस में क्या है कि ये बूस्टर सिस्टम है, बूस्टर सिस्टम से होने से पावर अप्रोच स्पीड का पावर हमेशा कम हो जाएगा। आप समझे अमृत भाई, अप्रोच स्पीड जो होती है उसके लिए अपने को जेट सिलेंडर लगते हैं, तो अपना पावर सेविंग हो जाएगा, कर सकते हैं, एक इनिशिएटिव लेने की जरूरत है बस। ओके, और अगर कोई चाहे तो सवाल किसी के हो तो रविंदर जी से पूछ सकते हैं अपना माइक अनम्यूट करके, अगर किसी का सवाल हो तो कृपया पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं रविंदर जी को आग्रह करूंगा कि कार्यक्रम समाप्ति की ओर है और आप सभी का वोट ऑफ थैंक्स करके और इस प्रोग्राम को क्लोज करेंगे हम लोग। रविंदर जी, मैं सभी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, प्लाई रिपोर्टर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रगत जी, राजीव जी और उनकी पूरी टीम का, कि इस मौके पे आप लोगों ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म अंबिका को दिया पूरे इंडस्ट्री के सामने आने के लिए। और आज बहुत ज्यादा गर्व फील कर रहा हूँ कि पिताजी के 73वें जन्म दिवस पर पिताजी के पुराने सारे परिचित और हमारे सारे वेल विशर्स उनको आज भी इतना आदर और सम्मान देते हैं, हालांकि उनको गए हुए 6 साल हो गए हैं, लेकिन उनकी छवि, उनकी मेमोरी, उनके सिद्धांत, उनकी बातें आज सभी को याद है। इसीलिए सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं अंबिका परिवार की तरफ से, धन्यवाद। अब प्रोग्राम के क्लोजिंग की ओर है और सभी को, हमारे जितने पैनलिस्ट यहां पे जुड़े हुए हैं, जो हमारी टेक टीम है, सभी को धन्यवाद, सब लोगों ने मौका दिया, और अपनी टेक टीम से गुजारिश है कि प्रोग्राम की एंड करें। धन्यवाद रविंदर जी, धन्यवाद अंबिका टीम, धन्यवाद सारे हमारे पैनलिस्ट, धन्यवाद सभी, धन्यवाद।